तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा, डोर जैसे बंद कर रहे हैं ना तो जो साउंड आ रहा है उससे पता चल रहा है कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इसकी हल्की है। सो दोस्तों, फाइनली 3 महीने के बाद जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो मिल गई देखने को, मुझे भी और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो ये है ग्रैंड विटारा अल्फा वेरिएंट, माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ में है। तो इसमें जैसे कि 2 इंजन आते हैं, एक इलेक्ट्रिक वाला होता है और जिसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का नाम दिया गया है। तो ये जो है अल्फा है और माइल्ड हाइब्रिड के साथ में। तो पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको इसके सबसे पहले तो मिल जाती है ग्रिल बहुत ही मस्त डिज़ाइन के साथ में। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बीच में एक सुजुकी का लोगो बड़ा सा, नीचे एयर डैम आ गया इसके, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स इसमें आपको मिलेंगे एंड LED हेडलाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। सो फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही शानदार लुक आ रहा है। नीचे आपको स्किड मिल जाती है सिल्वर कलर की, जो नीचे आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं इसके, एक अलग ही इनका भी लुक आ रहा है। और 215/60 R17 टायर साइज इसमें आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रिक टर्न इंडिकेटर ORBM इसमें आपको मिल जाते हैं, सनरूफ इसमें मिल रही है, रूफ रेल मिल रही है, डोल टोन के साथ में यह गाड़ी है जो शोरूम पे अभी डिस्प्ले में अवेलेबल है। तो वाइट के साथ ब्लैक कलर की रूफ आपको इसमें मिल जाती है। तो गाड़ी की अगर लंबाई की बात करें तो अच्छी खासी लंबाई है गाड़ी की, और हाइट भी एक बढ़िया हाइट दी गई है। अगर हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, तो जो रियर प्रोफाइल में सबसे मस्त लग रही है वो चीज़ लग रही है ये पूरा बिल्कुल मिक्स हो रहा है। तो ये एक मतलब अलग ही लुक आ रहा है इसका। LED टेल लैंप इसमें मिल जाते हैं, नीचे इधर आपको रिफ्लेक्टर प्लस इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको इसमें मिल रहा है, और जो बीच में लिखा हुआ है ग्रैंड विटारा की बैजिंग आपको इसका बिल्कुल बीच में मिल जाती है लोगों के साथ में। रियर डिफोगर और रियर वाइपर ये सारा कुछ आपको मिल रहा है, शार्कफिन एंटीना। तो रियर में आपको एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है जो बिल्कुल सेम फ्रंट में मिल रही है, वही प्लेट उसी कलर में बिल्कुल सेम रियर में दे रहे हैं। और रियर कैमरा, रियर सेंसर, 2 सेंसर पीछे आपको इसमें मिलेंगे। तो ये तो हो गया गाड़ी का कुछ इस तरह का एक्सटीरियर। तो लुक वाइज मैं गाड़ी को कहूँगा एकदम नंबर 1, मतलब लुक में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अगर हम फ्रंट लुक की बात करें, चाहे हम रियर लुक की बात करें, चाहे साइड प्रोफाइल की बात करें, सारा एकदम ओके है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर अंदर, देखते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और साथ ही हम चेक करेंगे गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी लगी वो भी एक बार चेक करेंगे। तो इसमें पुश स्टार्ट बटन आपको मिल रहा है अल्फा वेरियंट में इसके, चारों पावर विंडो, यहीं से आप ORBM सेट वगैरह कर सकते हो, सारा कुछ सेंट्रल लॉकिंग वगैरह वो सारा कुछ मिल रहा है। और क्रूज कंट्रोल्स, म्यूजिक के सिस्टम, और यहीं पे आपको मिल जाते हैं इसमें ये ब्लूटूथ के ऑप्शंस। तो आप कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट सब कुछ यहीं से कर सकते हो। सो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल रहा है, काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन इसमें आपको मिल रहा है, और जो डुअल टोन इंटीरियर इसमें मिल रहा है उसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी है। ये आप देखो, इधर साइड में लेदर की फिनिशिंग मिल रही है आपको, और वो फिनिशिंग सेम उसी कलर से मैच कर रही है जो सामने आपको मिल रही है। साथ में एक आपको मिलेगी क्रोम ये, और जो सिल्वर कलर की क्रोम है, और ये इधर स्टेयरिंग साइड भी आपको मिलेगी, मगर यहाँ पे बस इस साइड ही मिलेगी, उधर आपको आगे तक मिलेगी। 12V का सॉकेट हो गया। तो ये इसमें सारे यहाँ पे फीचर्स ऑन हो गए। क्लस्टर मीटर कुछ आपको इस तरह का इसमें मिल रहा है, फ्यूल का लेवल वगैरह सारा कुछ आ गया। 360 व्यू कैमरा इसमें आपको मिल रहा है, जो कुछ इस तरह का व्यू आएगा, चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी वगैरह सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी इसमें सारे आपको यहाँ पे किलोमीटर्स, और यहाँ पे आपको वॉच वगैरह सारा एवरेज वगैरह भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, 16.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज अभी दिखा रही है गाड़ी। साथ में यहाँ पे सारे अलर्ट आपको मिल जाते हैं, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी है। और ये इधर आपको मिल गए ब्रेक्स, इसमें आई थिंक बटन वाली मिलते तो ज़्यादा बेटर लगता मुझे,
और ये इसमें स्लाइडिंग वाला आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसको आप आगे भी स्लाइड कर सकते हो, और ये इधर कुछ स्पेस मिल जाता है जिसमें कि आप आराम से सामान वगैरह रख सकते हो सारा कुछ। ये यहाँ से आप इसकी सनरूफ ऑपरेट कर सकते हो, तो सारे यहाँ पे सनरूफ के यहाँ पे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे ओपन, इसको खैर ओपन रहने देते हैं गाड़ी में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा घुटन हो जाएगी। और अभी इसको ओपन करते हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस ये मिल रहा है आपको, मतलब आदमी एक आराम से बाहर निकल जाएगा। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और इधर की तरफ भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। वेंटिलेटेड सीट इसमें आपको मिल रही है, जिसका सीट कवर उसमें आपको लगे हुए मिल रहे हैं, ब्राउन कलर के सीट कवर इसमें आपको मिल रहे हैं जो मैच कर रहे हैं इस कपड़े से, जो साइड में डोर की फिनिशिंग है उसके साथ में। और ये इधर मिलता है इसमें ORVM, काफ़ी बड़ा ORVM ऑटो के साथ में इसमें आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा व्यू है पीछे का, रियर का। और ये इधर मिलता है इसमें ग्लव बॉक्स, तो ग्लव बॉक्स आपको ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं इसको हम बोल सकते। तो अगर मैं फ्रंट डोर की इसके बात करता हूँ, तो फ्रंट डोर थोड़ा सा कम खुलता है, थोड़ा कर्व में रहता है, बट रियर वाला डोर ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे जा रहा है, 180 डिग्री पे ये जा रहा है ऑलमोस्ट। अभी मैं बैठा हूँ इसके पीछे रियर सीट पे, तो रियर सीट पे काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है, लेग रूम भी और हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल आर्म रेस्ट इसमें मिलता है आपको। रियर पैसेंजर के लिए इसमें यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल रहे हैं, अगर पीछे आपको कुछ पढ़ना है यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। सेंटर में रियर एसी वेंट आपको मिलेंगे इसमें यहाँ पे। ये है इसका बूट स्पेस, तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको इसमें यहाँ पे मिलेगा, ये आप देख सकते हो। एंड रियर लुक काफ़ी बढ़िया लगा गाड़ी का, इंटीरियर बहुत मस्त है गाड़ी का, इंटीरियर में कोई मुझे कमी नहीं लगी। एंड अगर हम देखें तो जो रियर सीट है बहुत कंफर्टेबल लगी वो भी बैठने में। सेंट्रल आर्मरेस्ट वगैरह सारा कुछ मिल जाता है आपको, सेम फिनिशिंग डोर की इसमें भी आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको इसमें भी लेदर मिल रहा है। एक बोतल आप इसमें आराम से रख सकते हो, तो एक बोतल का स्पेस मिल रहा है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको इसमें क्रोम लगी हुई मिल रही है, जो फ्रंट में आगे मिल रही है डैशबोर्ड पे, वहीं पे वही सेम कलर की क्रोम आपको यहाँ पे इस पर मिलेगी। अब बात करते हैं गाड़ी की ना बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा डोर जैसे बंद कर रहे हैं ना, तो जो साउंड आ रहा है उससे पता चल रहा है कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इसकी हल्की है अकॉर्डिंग टू ब्रेजा। तो हम मान के चल रहे थे कि ब्रेजा के बराबर बिल्ड क्वालिटी इसमें मिलनी चाहिए, बट मुझे लग रहा है थोड़ी सी ये हल्की लगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है। हो सकता है नई ब्रेजा का भी ऐसा ही कर दिया हो हाल। इसमें सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अभी बूट खुला हुआ है तो बूट का भी यहाँ पे दिख रहा है, अभी बूट बंद हुआ जैसे ही तो ये भी बंद हो गया। सो गाइज, मैं अभी खड़ा था चोगले इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पे, जहाँ पे मैंने अपनी भी गाड़ी बुक करी है, और वहीं पे ये गाड़ी का आज हमने वॉक अराउंड रिव्यू किया। देखने में गाड़ी मुझे मस्त लगी एकदम। सो बाकी इसका अल्फा का प्राइस वगैरह सारी डिटेल्स आपको ऊपर स्क्रीन पर लिखी हुई मिल जाएंगी, क्या इसका ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है गोवा के अंदर, वो भी आपको मैं ऊपर पूछ के इनसे लिख के दे दूंगा। रियर लुक फ्रंट लुक मुझे मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगा इस गाड़ी का, और एक अच्छा कॉम्पिटिटर है ये, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और अगर आप भी बुक कर रहे हो ग्रैंड विटारा तो बताना उसके बारे में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।